हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडरलस्ट पंजाबी में। ये मैक्लोडगंज ट्रिप वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को देखने के लिए और उन्हें पसंद करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी भी वीडियो देखने वालों में चैनल को सब्सक्राइब ना करने वालों की संख्या 40% से ज्यादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और पहले वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे वीडियो पर बन के लाइक का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर शाम को चिनार कैफे से वापस आकर हम अपने रूम में चले गए। फिर वहां कुछ देर रुकने के बाद हम पहुंचे मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर। वहां पर एक तरफ की ही मार्केट ज्यादा खुली हुई थी, क्योंकि दूसरी तरफ रोड को सही करने का काम चल रहा था, तो ज्यादातर दुकानें वहां पर बंद ही थी। फिर हमने कुछ देर मार्केट को एक्सप्लोर किया और पैदल चलते हुए अपने रूम में पहुंच गए। अगली सुबह हम अपने होटल से निकले और धर्मशाला के लिए चल पड़े, मगर धर्मशाला पहुंचने से पहले हम धर्मशाला की ओल्डेस्ट चर्च, जो मैक्लो से धर्मशाला के रास्ते में है, वहां पर रुक गए। जब हम वहां पहुंचे तो चर्च बंद ही थी, तो हम अंदर नहीं जा पाए। इस चर्च को 1852 में बनवाया गया था। ये धर्मशाला से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। इसके चारों ओर देवदार के सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, जो इसे और भी मनोरम बनाते हैं। इसका शांत वातावरण आपको निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुभव देगा। फिर कुछ देर वहां के शांत वातावरण में बिताने के बाद हम इन सुंदर नजारों के बीच से होते हुए पहुंचे बार मेमोरियल धर्मशाला। क्योंकि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था और भूख भी लग रही थी, तो अंदर जाने से पहले हमने बार मेमोरियल के बाहर ही कुलचे छोले खाए और बार मेमोरियल के अंदर चले गए। बार मेमोरियल में आप कुछ समय बिता सकते हो। इस वक्त वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहां पर चीड़ के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं, जो दृश्यों को और भी मनोरम बनाते हैं। जिनके बीच से रास्ता बना हुआ है और आप उस रास्ते पर चलते चलते प्रकृति के पास होने का बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी धर्मशाला का टूर प्लान करें तो आप बार मेमोरियल को विजिट करना ना भूलें। और अगर आप पहले यहाँ गए हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। इसके बाद हम बार मेमोरियल से निकलकर पहुंचे कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है और ये कांगड़ा के बाहर की साइड कांगड़ा बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और एक पहाड़ी के ऊपर है। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनको इस किले में जरूर विजिट करना चाहिए। बाकी सभी को भी एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए। आप यहाँ खुद के साथ, फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हो। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनके लिए भी यहाँ आना काफी ज्यादा वर्थ इट हो सकता है। इस किले में ऊपर की ओर जाकर आसपास के बेहतरीन दृश्य देखने को मिलते हैं, जो सच में मनमोहक हैं। और अब आपके सामने है किले से नजर आने वाले कुछ अद्भुत दृश्य। इसके बाद हम कांगड़ा फोर्ट से निकले और अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़े। Check the mic and make sure it sound right, boys. इसके बाद हमने बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, जो मुबारकपुर के पास है, वहां पर छोटी सी ब्रेक ली और अपने सफर की थकान को थोड़ा कम करने के बाद अपने घर की ओर चल पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।